इतना बात सोच भाई सिंपल है। हाँ तो गाइस फिर से आपके लिए लेकर आ गए हूँ अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊँ कि आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव किस तरीके से यहाँ पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो किसी को भी। तो चलिए आज की वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको भेजने के लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जिसका भेजना है उस पर आपको चले जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लखन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड एक पिन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको ऐसे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर लास्ट टाइम सेकंड में देख सकते हो कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपने सेव कर रखे हैं उनके सभी नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको जिसके पास जो नंबर भेजने हो तो फ्रेंड यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ऊपर की साइड ऑप्शन दे रखा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप नाम भी सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर किसी का भी नंबर मतलब नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर सेंड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सेंड हो चुका है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पर आप नंबर सेंड कर सकते हो किसी को भी व्हाट्सएप पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।